आइए 11th क्लास में कल हम आप लोगों ने एक बहुत सा अच्छा सा क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने बीमा की बात किया था। बीमा का अनुप्रयोग चल रहा है और बीमा के अनुप्रयोग में हमने बीमा का पहला अनुप्रयोग सीख लिया कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों को बदलना या एक पद्धति से किसी आंकिक मान को दूसरे पद्धति के मान में बदलना, ये हमने कल सीख लिया था। आज हम लोग यह सीखने की कोशिश करेंगे इसका दूसरा अनुप्रयोग क्या कहता है। दूसरा अनुप्रयोग बच्चों यह कहता है कि जब हम किसी समीकरण को लिखते हैं जिसे या किसी सूत्र को लिखते हैं तो क्या वह सूत्र बीमी विधि से संतुलित है या बीमी विधि के नियम का पालन करता है कि नहीं। मैं जानता हूं कि फिजिक्स में जितने भी सूत्र लिखे जाते हैं प्रत्येक सूत्र बीमा के इस नियम का पालन करता है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। कोई भी आप फिजिक्स का सूत्र लिखेंगे अगर वह सूत्र सही है बीमा के विधि के आधार से तभी वो सूत्र सही माना जाता है, अदरवाइज वह सूत्र अगर बीमा के आधार पर नहीं सही है तो हम उसको सही नहीं मानते हैं, कहते हैं यह सूत्र बीमी रूप से शुद्ध होना चाहिए। तो जैसे हम चल रहे हैं एक बहुत अच्छा सा फेमस सा सूत्र लिए थे, हम जानते हैं उसको और आपको पढ़ा भी चुके हैं, हम लिखे थे प्रूफ भी किए थे टी बराबर 2π अंडर रूट एल अपान जी। समझने की बात है बच्चों, यहाँ हम दो सूत्र लिखेंगे जो आप जानते होंगे और एक सूत्र इधर लिख देते हैं। वह सूत्र हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर आप क्या लिखते हैं, कोई भी सूत्र लिख सकते हैं जो फिजिक्स का हो और उसको हम इसके आधार पर चेक करेंगे। गतिज ऊर्जा बराबर क्या जानते हैं बच्चों, 1/2 और एम और बी का स्क्वायर। इतनी आसानी से आप समझेंगे इसको, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम करने क्या जा रहे हैं कि इसका बीमा का दूसरा उपयोग क्या है, किसी समीकरण के बीमी सूत्र की जांच करना या किसी समीकरण के बीमी विधि की सहायता से हम उस सूत्र की जांच करेंगे, चेक करेंगे कि यह सूत्र सही है बीमा के आधार से कि नहीं। इसको ऐसे सीधा छोटा सा भी बोला जाए सत्यता की जांच करना, किसी समीकरण के लिए सत्यता की जांच करना। सत्य जानते हो सत्य अडिग होता है, सत्य हारता नहीं है कभी, सत्य हमेशा विजय को प्राप्त करता है, इसलिए सच्चाई कभी छुपती नहीं है, आप यह भी जानते हैं। तो सच्चा जो है वही अच्छा है, वही समझदार है, तो इसलिए हम बीमा के रूप में देखने चल रहे हैं क्या सत्य होते हैं सब समीकरण बीमा के आधार पर कि नहीं। ठीक है, अब मैं ये आगे नहीं आपको सुनाऊंगा, आप जानते हैं मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में विस्तृत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या मैं समर में डरता नहीं, मामा तथा निज तात भी हूँ तो मैं समर में डरता नहीं। आप इस सब प्रकार की कर्ण के बारे में विख्यात सूक्ति थी जिसको एक प्रकार से दोहे टाइप में जो भी था हमने आपको बता दिया कि आप इससे भी समझ सकते हैं सत्य नहीं हारता। और सत्य जो है वह अभी आपको दिखाई देगा, वह ऐसे दिखाई देगा कि बीमा के रूप में भी वह सत्य दिखलाई देता है, यह दिखाता है कि अगर यह बीमा विधि से सही है तभी सत्य है, बीमा विधि से नहीं सही है तो नहीं सत्य है। इसका नियम क्या कहता है, नियम नंबर 1 कहता है कि दाएं पक्ष की बीमा और बाएं पक्ष की दोनों बीमाएं आपस में बराबर होंगी तभी वह समीकरण सत्य कहला जाएगा। यानी यह अगर बायां है यह दायां है तो दोनों पक्ष की बीमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हमने इसको दायां लिख दिया, राइट जिसको आप बोल सकते हैं, और यह क्या है बायां है या बाएं पक्ष की बीमा, तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की बीमाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। आइए देखते हैं टी क्या है बच्चों, यहां देखिए जो प्रतीक हैं पहले उनके प्रतीकों के बारे में जानते हैं। टी हमारा बच्चों आवर्तकाल कहलाता है, क्या कहलाता है, टी को हम आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड बोला जाता है। एल क्या है, जब प्रयोग किया जाता है तो एल धागे की लंबाई होती है, एल यहाँ लंबाई का काम करेगा, और जब उसी लंबाई वाले धागे पर कोई द्रव्यमान इधर उधर मूव करता है तो ये जी जो होता है उस पर काम करता हुआ गुरुत्वीय त्वरण होता है। और जितनी भी राशियां हम लिख रहे हैं, जो भी भौतिक राशि लिखी जा रही है सब की बीमा आप जानते हैं, तो पहले हम राइट हैंड साइड नहीं लेफ्ट साइड लेते हैं। मैथ में आप लोग एलएचएस लिखते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बीमा ये टाइम है तो आवर्तकाल है, याद रखिएगा आवर्तकाल मतलब समय ही होता है, और उसकी बीमा आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों टी। क्लियर, अब आप बाएं पक्ष की लेफ्ट हैंड की हो गई तो राइट हैंड देखिए
RHL की बीमा क्या होगी बच्चों, RHL में पहले जो भी पैरामीटर हुए या जो भी भौतिक राशियां हैं, एक लंबाई है और एक गुरुत्वीय त्वरण, इनका अलग अलग बीमा निकाल कर रख देंगे इसी समीकरण में, तो देखेंगे कि इधर इस पक्ष की बीमा इस पक्ष की बीमा के जब बराबर प्राप्त होगी तभी यह सूत्र सही माना जाएगा, अदरवाइज यह बीमा की दृष्टि से यह सूत्र गलत हो जाएगा। ऐसे ही हम इसमें भी करते हैं, गतिज ऊर्जा की बीमा इसमें लिख देते हैं, एक पक्ष की अभी हम लिख रहे हैं, फिर दूसरे पक्ष की निकाल लेंगे, एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू, इसकी बीमा अगर इसके बराबर इधर इस पक्ष की बीमा इसके बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे यह सूत्र सही है, अदरवाइज यह सूत्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट की बीमा हमें मिल गई क्या, टी मिल गई है। अब हम देखते हैं लंबाई है, इधर राइट हैंड साइड में लंबाई है, तो लंबाई की बीमा बच्चों क्या होती है, लंबाई की बीमा आप लिखते क्या है, एल। और बच्चे देखिए जी है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा टेबल में आप देखिए जो टेबल बनवाए हैं उसमें जरूर दिखाई देगी एल टी माइनस टू। क्लियर, यह बीमा जब आप इसमें रखेंगे, टू पाई का मतलब ये नियतांक है, और हमने बताया है कि नियतांक की कोई बीमा नहीं होती, नियतांक है इसलिए यह क्या है बच्चों, बीमाहीन होगा, क्या होगा, बीमाहीन होगा। और यह जब बीमाहीन होगा तो आप देखिए इस दाएं पक्ष की बीमा हम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जब दाएं पक्ष की बीमा निकालेंगे तो दाएं पक्ष की बीमा निकालने के लिए जो बीमा दी गई है उसको रखेंगे, तो जब देखेंगे दाएं पक्ष की बीमा और बाएं, पहले बाएं पक्ष की बीमा निकाल लीजिए, तो ये बाएं तो निकल गया है, दाएं की देखते हैं एल बाई जी ही बचेगा, तो एल की जगह यानी कि हमारा एल क्या है, लंबाई है, लंबाई ही है, उसकी बीमा हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल एल लिखना पड़ेगा कि नहीं। और जी है तो जी की बीमा क्या लिखोगे बच्चों, एल टी माइनस टू। इतना आपने लिख दिया, बीमा लिख रहे हैं तो ये वाला सिंबल बना दीजिए। क्लियर, अब इस रूट को हटाएंगे, पूरे पे रूट है ना, तो पूरे पे रूट हटाने के लिए एक बटा दो का इनकी पावर में गुणा करना पड़ता है, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना दीजिए, एल की पावर तो वो एक ही है और एल टी की पावर कितना है, माइनस दो है कि नहीं है, इसकी पावर जब रूट हटाएंगे तो वन बाई टू हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बाएं पक्ष की बीमा टी आई हुई है, अगर दाएं पक्ष की बीमा टी आएगी तभी हम कह पाएंगे कि यह सूत्र जो है वह बीमी विधि से सत्य है और भौतिक विज्ञान के समस्त नियमों का यह पालन कर रहा है। आगे देखते हैं, एल ऊपर एल नीचे, चाहे इसको ऊपर ले जाके तब वन बाई टू करेंगे तो भी वन बाई टू और माइनस वन बाई टू, देखिए इसको ऊपर ही पहले लिख देते हैं, पावर हटाना है, देखिए इसको इसमें गुणा करिए, एल की पावर कितना आएगा, वन बाई टू, और ये जब नीचे है ऊपर जाएगा, अभी इस पर पावर इसका गुणा नहीं करें, करना है तो कर दीजिए, अलग अलग ही करके तब ले जाते हैं, क्या दिक्कत है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए, एल एल हटा दीजिए, टी की पावर ऊपर ले जाइए, वन बाई टू, टू टू कैंसिल माइनस वन, फिर नीचे लाएंगे टी, रियल मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इसको ऊपर कर लीजिए फिर पावर लगाइए, क्या दिक्कत है, इसको ऊपर करेंगे तो आएगा माइनस माइनस वन हो जाएगा ये, और ये ऊपर आया तो टी की पावर क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, और इसकी पावर क्या, वन बाई टू, अगर अभी इस पर न लगाइए तो और आसान हो जाएगा समझने के लिए, पूरे पर लगा दिए हैं, अब देखिए वन बाई टू पावर सबकी है तो सबकी पावर वन बाई टू का गुणा करेंगे, गुणा वाला नियम अभी कल हमने पढ़ाया था, तो ये क्या देगा, ये देगा एल की पावर वन बाई टू, देगा कि नहीं देगा, और इनटू आप करेंगे ये क्या देगा, एल की पावर माइनस वन बाई टू देगा, और यह क्या देगा बच्चों, टी की पावर क्या देगा बोलिए, ये देगा टू इंटू वन बाई टू, ब्रैकेट बना दीजिए, मैं बता रहा हूँ स्पष्ट आप समझ लेंगे। अब देखिए ये पावर इसकी टू बाई टू का मतलब ये कट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये टी आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, और ये देखिए इसकी पावर एक बटा दो, इसकी पावर माइनस एक बटा दो, तो नियम को समझ लीजिए, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते कैसे हो गया, डायरेक्ट कर देते तो और नहीं समझ पाते, इसलिए जितना आसानी से समझ सकते हो उतना आसानी से समझने का प्रयास करिए। अब देखिए एल की पावर वन बाई टू, एल की पावर माइनस वन बाई टू, दोनों को जोड़ोगे जीरो आएगा, किसी की पावर जीरो होती उसका मान एक होता है, अर्थात वन इंटू कितना मिल गया, टी, अर्थात दाएं पक्ष की बीमा क्या मिल गई, टी मिल गई। बहुत तेजी नहीं भागना, जितनी आसानी से हम समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन का कंसेप्ट पूरा रियल कंसेप्ट जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा हमारा काम होगा, देखिए इसलिए अब बहुत से बच्चे डायरेक्ट यहीं से लिख दिए टी, यहां से आपने टी लिख दिया डायरेक्ट, कोई बात नहीं, आप बहुत तेज होंगे सुना,
तेज होंगे, समझदार होंगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया तो पूरा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर? इसलिए आप किसी भी चीज को जितना अच्छे समझ सकते हैं उतना समझने का प्रयास करेंगे। देखिए टी आ गया, ये बाएं पक्ष की बीमा टी है और दाएं पक्ष की बीमा क्या मिली? टी। अतः आप नीचे लिख सकते हैं, दिया गया समीकरण बीमा की विधि के आधार पर क्या है? सत्य है, गलत नहीं है। अर्थात दिए गए सूत्र की व्याख्या भौतिक विज्ञान के नियम से सही ढंग से की जा सकती है। अर्थात दोनों पक्ष की बीमाएं अगर बराबर होती हैं तो वह समीकरण बीमी विधि से सत्य माना जाता है। और आपने देखा कि दोनों पक्षों की बीमाएं आपस में बराबर थी। देखिए दूसरा देखते हैं, के ई काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv². तो इसकी बीमा क्या जानते हैं? गतिज ऊर्जा की जानते हैं आप लोग, टेबल देखेंगे ml² t^-2। ये बाएं पक्ष की हो गई, दाएं पक्ष की बीमा निकालनी है। अगर दाएं पक्ष की बीमा हमें निकालनी है तो दाएं पक्ष की बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 mv² और देखेंगे 1/2 कांस्टेंट है, m क्या है? द्रव्यमान हुआ बच्चों, और ये वेग है, वेग है, तो इसकी बीमा lt^-1² करोगे कि नहीं करोगे? इस स्क्वायर का इसमें गुणा फिर होगा, आप देखेंगे ये मिलेगा m, मिलेगा एक ब्रैकेट में, अगले में मिलेगा l² और t^-2। तो अब देखिए बीमा आपकी क्या आ गई? आपकी बीमा आ गई ml² t^-2। अब ml² t^-2 दाएं पक्ष की बीमा है और यही बाएं पक्ष की बीमा है, अतः दोनों आपस में क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः दोनों पक्ष की बीमाएं, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों की बीमाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए दिया गया समीकरण बीमी विधि से सत्य होगा। ऐसे कोई भी समीकरण अगर लिखा हो, समीकरण की बात कर रहे हैं, कोई भी समीकरण लिख के दे दिया जाए और कह दिया जाए इसको चेक करिए क्या यह समीकरण सही है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं अवश्य यह समीकरण सही है कि गलत है। आइए देखते हैं, जैसे इसी को अगर लिख दिया जाए, जो सूत्र हम कह रहे हैं ke = हम लिख दें 1/2 mv और कहा जाए यह बताइए यह समीकरण बीमा की विधि के रूप में सत्य है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस पक्ष की बीमा आप जानते हैं, पहले लिख देंगे ml² t^-2 और 1/2 की कोई बीमा होती नहीं, m है, इसकी बीमा लिख दीजिए, वेग है lt^-1। तो आप देखेंगे इधर की बीमा आपको मिल रही है ml² t^-2 और इधर की बीमा आपको क्या मिलेगी? ml² t^-1। और देखिए दोनों बीमाएं आपस में बराबर नहीं हैं, और जब बराबर नहीं हैं तो आप लिख सकते हैं कि ke = 1/2 mv गतिज ऊर्जा का सूत्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यह उसका सूत्र होता तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों की बीमाएं आपस में बराबर होती, और दोनों पक्षों की बीमाएं आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए ke = 1/2 mv ना होके 1/2 mv² होना चाहिए। अगर इसी के स्थान पर हम लिख दें ke = 1/2 mb/v, तो आपसे पूछा जाए बताइए क्या ऐसा हो सकता है, तो आप तुरंत इसकी बीमा निकालेंगे, देखेंगे वी ऊपर नीचे है, उसका काम कुछ हो जाएगा, उल्टा सीधा कट जाएगा, और जो बचेगा उसकी बीमा देखेंगे इसके बराबर नहीं होगी, तो हम कह देंगे दिया गया या दिए गए सूत्र की बीमा आपस में बराबर नहीं है, अतः बीमी विधि से सत्य नहीं माना जाएगा। अर्थात यह बीमा के नियम का पालन नहीं करता। बीमा का दूसरा उपयोग जो भी था हमारा वो लगभग कंप्लीट हो गया, और कई प्रकार के क्वेश्चन हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, खूब अच्छे से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इनके सिद्धांत को अच्छे से समझे रहिएगा।